ईद उल फितर के दूसरे रोज लाहौर हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस शुजात अली खान का कोर्ट लखपत और कैंपचे लाहौर का दौरा। मौसिस जज ने मामूली जुराय में मुलाविस 15 कैदियों की रिहाई का हुक्म दिया, जबकि खवातीन कैदियों में ईदी और तहाइफ भी तकसीम किए। मोहम्मद अशफाक की रिपोर्ट देखिए। लाहौर हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस शुजात अली खान का कोर्ट लखपत जेल और कैंप जेल का दौरा। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज लाहौर सैयद अली इमरान और सीनियर सिविल जज शफकत अब्बास भी इस मौके पर मौजूद थे। जस्टिस शुजात अली खान को दोनों जेलों के सुपरिटेंडेंट्स इजाज़ असगर और जहीर अहमद विर्क ने ब्रीफिंग दी। जस्टिस शुजात अली खान ने खवातीन कैदियों की बैरकों का दौरा किया, खवातीन कैदियों के मसाइल सुनकर मौके पर ही उनके हल के अहकाम जारी किए। जस्टिस शुजात अली खान ने खवातीन कैदियों को अपनी जेब से ईदी दी और तहाइफ तकसीम किए। मौसिस जज ने जेल के किचन का मुआयना किया और खुद खाकर खाने का मयार चेक किया। जस्टिस शुजात अली खान ने दोनों जेलों के अस्पतालों का भी दौरा किया और जेरे इलाज कैदियों से तिब्बी सहूलियात के बारे में दरियाफ्त किया। जस्टिस शुजात अली खान ने कैदियों की उनके अहले खाना से वीडियो कॉल की सहूलत को सराहा। जस्टिस शुजात अली खान ने कहा कि ईद के दूसरे रोज आने का मकसद मुलजिमान को दी जाने वाली सहूलियत का जायजा लेना और गुमनाम जेल अफसरान के इकदाम को सराहना है। हमने दोनों जेलों को विजिट किया और दोनों के हमने सारी खाने के हवाले से भी, उनके जनरल इंतजाम भी और उनके जो मेडिकल के भी हैं सारों के, वो एग्जिस्टिंग हालात में और जो एग्जिस्टिंग उनके पास फैसिलिटीज़ हैं बहुत ही, जिसको कहते हैं, तारीफ़ के काबिल हैं, वो काबिल सताइश हैं वो सारे इकदाम जो ये हमारे जेल अथॉरिटीज़ दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये हमारे वो लोग हैं जो अनसंग हीरोज़ हैं, जो कि इस तरह के त्यौहारों में भी अपनी फैमिली से अलहदा होके इस कार्य खैर में अपना हिस्सा डाल रहे हैं, तो मेरी तरफ से ये बहुत ही काबिल सताइश है। जस्टिस शुजात अली खान ने मामूली जराय में मुलविस कैदियों को रिहा करने के अहकाम जारी किए। जेल इंतजामिया की जानिब से जस्टिस शुजात अली खान को हाथ से बनाया गया कालीन तोहफे में पेश किया गया।